पीएन जंक्शन के एग्जांपल्स में मेन मेन फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर वो डीसी रेजिस्टेंस पूछेगा तो डीसी रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज बाय करंट करना है। अगर वो एसी रेजिस्टेंस पूछेगा या डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछेगा एक ही बात है, तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट करना है, ये याद रखना। दूसरा फॉर्मूला ये कुछ नहीं करना आपने। तीसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी करंट एवरेज करंट का हाफ होता है क्योंकि आधा सिग्नल उसमें मिसिंग होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में डीसी करंट क्या होता है, एग्जैक्ट एवरेज सिग्नल ऑफ एसी होता है। तो सीधा न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नंबर 11, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिगर शोज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है ऑफ अ जंक्शन डायोड, फाइंड डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस जब 0.3 वोल्ट की वोल्टेज है। तो 0.3 ये रहा। अगर तो कहते हो कि डीसी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो डीसी रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, वोल्टेज कितनी है 0.3 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कितना है, 4 के ऊपर क्या आएगा, 5, तो ये मिली एम्पियर है। 10 की पावर क्या आएगा यहां पर, 10 की पावर -3 आएगी, तो 4 की जगह 4.5 ले लिया, 5 की जगह मैंने 5 ले लिया था, 5 तो मिड पॉइंट में होगा, उल्टा 4.5 ठीक लिया इसने अप्रोक्सीमेटली। तो रेजिस्टेंस क्या आएगी, वोल्टेज अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग करंट, आंसर एक आंसर। फिर उसने कहा मुझे क्या चाहिए, एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस होती है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। ऐसे क्वेश्चन में 0.3 वोल्ट पे काम करना है, वो आपको जरूर 0.3 के आसपास दो मार्किंग करके देगा, जैसे ये और ये। तो आप इसमें अप्रोक्सीमेट लेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू लेंगे वोल्टेज की, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू लेंगे वोल्टेज की, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा वी आएगा। और ऐसी यहां से ये करंट ये रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट ये रहा, यहां से माइनस करके क्या आएगा, डेल्टा आई आएगा, डेल्टा वी डेल्टा आई। डेल्टा आई तो दिख रहा है, 4 में से कितना गया, 3, 6 में से 3 गया, 3 आ गया 6 में से 3, लेकिन ये आपको अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर क्या लिया गया, इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट इसने लिया, इस टर्म को लिया 0.35, 0.3 और 0.5 के बीच में 0.35, और इसको क्या लिया 0.25, तो 0.35 माइनस 0.25 न्यूमिनेटर है, और करंट तो पता ही है 6 और 3 को माइनस करके आंसर, तो ये एसी रेजिस्टेंस आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वी एंड आई। आपको फॉरवर्ड बायसिंग में वी, दो वी पता है, दो आई पता है, रिवर्स बायसिंग में दो वी पता है, दो आई पता है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है। कौन सी रेजिस्टेंस निकालनी है आपको इसमें, कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन डायोड। तो क्या करेंगे, फॉरवर्ड में चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस आ गई, और रिवर्स में चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, आंसर। तो बड़े में से छोटी वोल्टेज माइनस कर लें, बड़े में से छोटा करंट माइनस कर लें, आंसर। दो पार्ट्स आपके डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन है कि वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड इज गिवन। सिलिकॉन डायोड है, इसके अंदर ये क्या है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक दोनों इसमें गिवन है, ठीक है। तो रिवर्स भी है, फॉरवर्ड भी है। क्या करना है, कैलकुलेट डायोड रेजिस्टेंस।
पहले फॉरवर्ड बायसिंग में दो पार्ट्स हैं, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट के ऊपर रेजिस्टेंस निकालें, और रिवर्स के अंदर भी 2 वोल्टेज हैं, दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस निकालें, 4 पार्ट्स हैं। तो काम करते हैं, पहले फॉरवर्ड पे काम करते हैं, फॉरवर्ड के ऊपर 2 वोल्ट लेते हैं पहले, तो निकालें रेजिस्टेंस फॉरवर्ड के ऊपर 2 वोल्ट के ऊपर क्या होगा, ये 2 वोल्ट है, अपने को रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होती है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। अब डेल्टा वी 2 वोल्ट पे क्या लेंगे, आपको हिंट के लिए 2 लाइनें गिवन होंगी, देखो ये गिवन है 2 लाइनें, तो 2 लाइनें गिवन है, 2 और 3 के मिड पॉइंट 2.5 है, और इसका भी मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 2.2 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, 2.2 है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट लेनी है, देखो इसमें गिवन तो कुछ है नहीं, मार्किंग गिवन होनी चाहिए थी, हालांकि अप्रॉक्सीमेट, तो अंदाजे से दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी आ जाएगा, तो डेल्टा वी आ जाएगा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट क्या है, 80, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कितना है, 60, तो माइनस करके क्या आएगा, डेल्टा आई आ जाएगा, जो कि कितना है, 80 माइनस 60 जो कि कितना है, 20। तो ये क्या गिवन है, मिली एम्पियर है, 10 की पावर -3, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई करके आंसर आएगा। तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है क्या करना है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन 1 वोल्ट पे भी करना है, 1 वोल्ट के यहां वैल्यू 1.2 ले लेते हैं और ये वैल्यू 0.8 ले लेते हैं, तो डेल्टा भी आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट निकाल लेते हैं 20 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 10 है, तो डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 10 × 10 की पावर -3 एम्पियर आ जाएगी, तो डेल्टा वी को डेल्टा आई से डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पार्ट क्लियर है यहां तक, लेकिन इंपॉर्टेंट, अब ये तो आपको हिंट पता लग गया, ये चीज नहीं है, रिवर्स के अंदर सेम क्वेश्चन रिवर्स में करना है और रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो कब, जब वोल्टेज कितनी है, -1 है, तो ये रहा -1, देखो -1 के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट निकाल लें या -2 के कॉरस्पॉन्डिंगली करंट निकाल लें, -3 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लें, तो ना मात्र करंट है और ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, सेम का मतलब जैसे ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0.25 है और माइक्रो एम्पियर है, 10 की पावर -6 एम्पियर है, तो इसमें चेंज चूंज कुछ नहीं आना क्योंकि इसके अंदर चेंज है ही नहीं, इसमें करंट की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0.25 × 10⁻⁶, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू में एग्जैक्टली यही पुट कर देंगे, -1, मतलब मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहां पर 1, तो 1 1, क्योंकि डेल्टा वी इसमें लेना ही नहीं है, इसके अंदर वी अपॉन वी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है क्योंकि जो आगे जीनर ब्रेकडाउन भी हो जाता है इसका, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने -2 लेना है और इसको इस करंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, जैसे न्यूमेरिकल है ये -1 है, सॉरी ये आएगा -1, यानी कि यहां पर आएगा 1 / करंट सेम है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन किस में आता है, -2 पे आता है, -2 ये रहा, तो फिर आपने रेजिस्टेंस लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है 2, और करंट फिर से सेम लेना है, ऑलमोस्ट सेम 0.25 × 10⁻⁶ आंसर, तो मतलब करंट की वैल्यू तो हर वक्त इसमें सेम ही रहने वाली है, वी जो गिवन होगा पुट करके आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो कैसे रिवर्स में काम करना है समझ में आ रहा है, तो रिवर्स में कैसे काम करना है, फॉरवर्ड में कैसे काम करना है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और रिवर्स के अंदर बेसिकली इसलिए चेंज नहीं लेते क्योंकि चेंज कुछ होता ही नहीं है, ना मात्र तो है करंट, इसमें कुछ करना तो है ही नहीं, फॉरवर्ड में इसलिए क्योंकि काफी चेंज हो जाता है, वोल्टेज भी काफी चेंज होती है और करंट भी काफी चेंज होता है, 0.2 इंक्रीज करने पे देखो ना 20 का करंट चेंज हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें, तो इसमें इतना चेंज नहीं होता। तो जैसे ये क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन है इसमें ये गिवन है, पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड हैज अ ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट, तो पीएन जंक्शन
जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है ना, तो इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट डेवलप हो जाता है, ये आ रहा है ऐसे है। तो विच इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, करंट कोई भी हो इसे 0.5 डेवलप कर ही लेना है। कह रहे अगर 10 मिली एम्पियर का करंट चला जाए तो डायोड जूल हीटिंग से डैमेज हो जाता है, तो ये अलर्ट कर रहा है 10 मिली एम्पियर से ऊपर करंट मत पास करना। अब वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं एक बैटरी को यूज करूं 1.5 वोल्ट की बैटरी, फॉरवर्ड बायसिंग करूं, और बताओ कि मैं कितनी आर की वैल्यू यूज करूं ताकि करंट 5 मिली एम्पियर आ जाए। तो ये 10 तो सिर्फ डराने के लिए लिख रखा है कि खराब ना हो जाए, उसने करंट को 5 ही यूज किया है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो करंट की वैल्यू होती क्या है, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज में क्या आएगा, ये 1.5 है ना, ये 1.5 है और ये कितना डेवलप हो गया 0.5। तो ऐसे कर सकते हैं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं कि टोटल जो वोल्टेज है वो कितनी है, 1.5 है, इक्वल टू 0.5 है, ये वोल्टेज इसमें और इसमें आने वाली है, और इसके अंदर कितनी वोल्टेज होगी, आई इन टू आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 5 मिली एम्पियर है, ये लो। तो यहां से आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कुछ करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो 1.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस आई इन टू आर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, में क्या क्वेश्चन है कि ड्रॉ द सर्किट टू फॉरवर्ड बायस अ डायोड, सप्लाई 3 वोल्ट है, फॉरवर्ड बायसिंग वाला पी विद पॉजिटिव होना चाहिए एंड 100 मिली एम्पियर की का इसमें करंट होना चाहिए। तो आई भी पता है, आई पता है मुझे, इसमें मुझे इसमें 3 वोल्ट पता है, और नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, एंड करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर पासिस थ्रू दी डायोड। ओके, ये 20 मिली एम्पियर है, ये लेना है इसमें, वो नहीं लेना, ये लेना है 20 लेना है। कह रहा है कि फाइंड वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर एंड डायोड, पावर निकालनी है रेजिस्टर की और डायोड की। तो अगर मैं इसमें आर की वैल्यू बता दूं तो आई इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर से क्या जाएगी, इसकी वोल्टेज आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है भाई, फिर से 3 इज इक्वल टू इसमें कितना डेवलप हुआ नी वोल्टेज में 0.7, और इसमें कितना डेवलप हुआ आई इंटू आर। तो आई आपको पता, तो क्या आ गया, आर आ गया, आर आ गया, तो आई स्क्वायर आर से पावर आ गई, फिर आई स्क्वायर, और इसमें क्या आ गया, इसमें 0.7 आ गया। तो इसमें जब 0.7 आ गया तो इसमें क्या निकालनी है मुझे, इसके अंदर डायोड के अंदर भी क्या निकालनी है, पावर की वैल्यू बतानी है। तो पहला आंसर तो आई स्क्वायर आर आ गया, बातें खत्म हो गई। दूसरा आंसर डायोड में क्या करना है, वी इंटू आई कर देना है, वी तो आपको पता ही है 0.7 है और करंट भी आपको पता है इसमें, तो वी इंटू आई करके आपके पास डायोड की पावर आ जाएगी। तो वी इंटू आई कर लेना, तो करंट आपको 20 पता है और वी आपको 0.7 पता है, यहां से वैसे आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर ये गिवन है कि सपोज करो एक डायोड है, एक सीधा एक उल्टा, आपको ये गिवन है इसमें कि मैंने इसमें एक 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये 2 वोल्ट है, बैटरी लग गई और आपको करंट बताना है बैटरी में से कितना गया, आई बताना है कितना है। जबकि जब ए पॉजिटिव है
ये नेगेटिव है पहले केस में, फिर बी पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है दूसरे केस में। जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव पी के साथ कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायसिंग है, लेकिन इसकी कौन सी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग में, इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा, इसको उड़ा दो। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? करंट की वैल्यू आएगी वी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या आएगा यहां पर? सिर्फ 10, क्योंकि आइडल डायोड है, आइडल डायोड की रेजिस्टेंस जीरो लेते हैं। हाँ, अगर गिवन है रेजिस्टेंस लेने को फिर लेते हैं, इसमें मेंशन नहीं तो नहीं लेने। तो आंसर आ गया। लेकिन केस नंबर टू में वो कह रहा है कि अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है, नेगेटिव विद एन और नेगेटिव विद पी, तो ऑब्वियसली इसकी रिवर्स बायसिंग, इसको उड़ा दो। अब करंट आएगा 2 डिवाइडेड बाय कितना? 20 आंसर। तो एक बार ऊपर वाला पॉजिटिव, एक बार नीचे वाला पॉजिटिव, बात खत्म। ये लिखा हुआ है इसमें। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आइडल डायोड है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपको इसमें हर चार डायग्राम में करंट बताना है। बायसिंग शुरू करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, पॉजिटिव नेगेटिव पी एन एन पी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव तो ये पी है, ये एन है, ये एन है, ये पी है। शुरू करें, तो प्लस इज कनेक्टेड विद पी तो फॉरवर्ड बायसिंग है, एन विद नेगेटिव तो फॉरवर्ड बायसिंग है। दोनों डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग है और ये अलाउ करेगा करंट को पास करने के लिए, तो करंट होगा क्या? 2 डिवाइडेड बाय 20 आंसर, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस तो लेनी नहीं है, बात खत्म। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, प्लस इज कनेक्टेड विद पी फॉरवर्ड बायसिंग है, पर माइनस इज कनेक्टेड विद पी रिवर्स बायसिंग है, तो ये करंट को ब्लॉक कर देगा। एक ने भी ब्लॉक कर दिया तो करंट जाएगा ही नहीं, तो इसमें करंट पूरे सर्किट में क्या होगा? जीरो, क्योंकि रिवर्स बायसिंग की वजह से रोक लेगा। इसकी बात करते हैं, प्लस इज कनेक्टेड विद पी एंड पी, तो ये दोनों के दोनों करंट को जाने देंगे, तो इसमें करंट आएगा 2 डिवाइडेड बाय कितना? 20, बात खत्म है, इसमें करंट जाएगा। अब बात इसकी करते हैं, प्लस इज कनेक्टेड विद पी फॉरवर्ड बायसिंग है, प्लस विद एन रिवर्स बायसिंग है, तो ये ऊपर से करंट को जाने देगा, तो करंट की वैल्यू 2 बाय 20 आंसर। तो जहां भी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, करंट जाने को अलाउ करेगा, बस फिर वहां से करंट निकाल लो। जो रिवर्स में होगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, करंट जीरो कर दो। ठीक, तो फिर क्वेश्चन डायोड के हैं। डायोड एनसीईआरटी में नहीं आने, ये कॉम्पिटिशन में आने हैं। अगला लेक्चर डायोड के ऊपर है, डायोड के न्यूमेरिकल मेंस और नीट में आते हैं, तो अगला आधा घंटा जो लेक्चर का होगा वो डायोड के न्यूमेरिकल्स पे ही होगा, फिर लॉजिक गेट्स भी होंगे।